हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्कूल ऑफ इन्वेस्टिंग में, जहां आप सीखते हैं कि किसी भी कंपनी में जब हम इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं तो इन्वेस्ट करने से पहले कैसे उस कंपनी के बारे में स्टडी किया जाता है, उसके बिजनेस के बारे में समझा जाता है, पूरे डिटेल में उसका नॉलेज लेते हैं और फिर एक डिसीजन लेते हैं कि ये कंपनी इन्वेस्ट करने लायक है या नहीं। और यदि इन्वेस्ट करने लायक है तो क्या ऐसा राइट प्राइस होगा जहां पर इन्वेस्ट करना सही रहेगा। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनीष अग्रवाल और जैसा कि आप देख सकते हैं, आज जिस कंपनी के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, कंपनी का नाम है गेटवे डिस्ट्रीपार्क्स। तो अगेन, इसके बिजनेस मॉडल को समझने से पहले इसका थोड़ा सा फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और फिर इसके बिजनेस मॉडल को हम डिटेल में समझेंगे। इस वीडियो को अगेन हम लोग दो दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम लोग करेंगे फंडामेंटल एनालिसिस पूरा करेंगे और कंपनी क्या क्या बिजनेस करती है, क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करती है, उसके बारे में एक थोड़ा सा डिटेल एनालिसिस करेंगे। पार्ट टू में हम लोग क्या करेंगे, पार्ट टू में हम लोग आएंगे, देखेंगे आगे फ्यूचर प्लान्स क्या है कंपनी का, कंपनी आगे क्या केपेक्स करना चाहती है, क्या एक्सपेंशन प्लान्स है, और जो फिर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो इंडिया में बन रहा है उससे कंपनी को क्या फायदा होगा, उसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट को हम लोग पार्ट टू में समझेंगे और फिर एक वैल्यूएशन निकालेंगे कि क्या राइट प्राइस में इसमें इंटर करना चाहिए और आगे इसमें क्या वैल्यूएशन निकल के फ्यूचर में आ सकता है। तो आई थिंक ये एकदम क्लियर हो गया कि हम लोग अपने डिस्कशन को किस तरह से आगे बढ़ाएंगे और दो पार्ट में इस डिस्कशन को डिवाइड करेंगे। तो चलिए चलते हैं और डिस्कस करते हैं। अभी पहले फंडामेंटल्स की, गेटवे डिस्ट्रिक्ट का फंडामेंटल्स और नंबर्स क्या बताता है। देख सकते हैं कि कंपनी का जो मार्केट कैप है अभी 3,723 करोड़ के आसपास का कंपनी का मार्केट कैप है। करेंटली ये ट्रेड कर रहा है 74.4 रुपीज पे, वो भी आज 4.7% हाई होने के बाद, यानी आज स्टॉक का प्राइस 4% 4.5% बढ़ा है। हाई का बात करें तो 87 रुपया ऊपर हाई गया हुआ है और लो में यहाँ 64 रुपीज लो गया हुआ है। करेंटली इसका पी जो है 17.2 के प्राइस टू अर्निंग्स के रेशियो में ट्रेड कर रहा है। बुक वैल्यू का बात करूं तो 32 रुपए के आसपास कंपनी का बुक वैल्यू है। तो प्राइस टू बुक का अगर देखें तो 2.3 के प्राइस टू बुक पे ट्रेड कर रहा है। अगर मार्केट कैप टू सेल्स या दूसरे नंबर्स को अगर हम लोग एनालाइज करें तो मार्केट कैप टू सेल्स आप देख सकते हो कि कंपनी का जो मार्केट कैप टू सेल्स है ये 2.74 है, ठीक है। उसके अगेंस्ट में रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है ये 12% का है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल जो है ये 13.8 का है, रिटर्न ऑन इक्विटी भी देख सकते हैं हम लोग 14.2 का रिटर्न ऑन इक्विटी है, ठीक है, 14.2 का रिटर्न ऑन इक्विटी है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज 12.1%, नंबर ऑफ शेयर 50 करोड़ शेयर है। ये क्या हुआ था, अगर नंबर ऑफ शेयर्स का मैं बात करूं तो पहले 20 करोड़ शेयर इसके हुआ करते थे, फिर बाद में इन्होंने प्रिफरेंस शेयर को इक्विटी में कन्वर्ट किया तो फिर अभी इनके पास 50 करोड़ टोटल शेयर्स है और फेस वैल्यू 10 रुपया का है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इनका पेग रेशियो देखते हैं। पेग रेशियो काफी अट्रैक्टिव है, 0.4 के पेग रेशियो पे कंपनी मिल रही है तो यहाँ पर वैल्यूएशन थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है। कैश इनके पास 182 करोड़ रुपया कैश में पड़ा हुआ है। प्रमोटर का होल्डिंग थोड़ा सा लो दिखता है, ओनली 32%, तो ये थोड़ा सा लगता है कि प्रमोटर के पास और थोड़े शेयर्स होने चाहिए थे, पर हाँ प्रमोटर का प्लेज कुछ नहीं है, दैट इज अ गुड साइन। रिटर्न ऑन एसेट इज 9.25%। तो नंबर वाइज बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं है और एट द सेम टाइम कोई बहुत ओवर वैल्यूड भी नहीं है कि हम उसको इसको इग्नोर कर दें। अभी इसका चार्ट पैटर्न देखते हैं। चार्ट पैटर्न में आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा यहाँ पर चार्ट बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट बन रहा है। यहाँ पर काफी गिरा था शेयर, फिर गिर के यहाँ पर 50 DMA का सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर 50 DMA का सपोर्ट लिया, उस सपोर्ट को तोड़ते हुए फिर नीचे चला गया और यहाँ पर अचानक से आप देखिए वॉल्यूम बढ़ रहा है। आज भी वॉल्यूम बढ़ा है, ठीक है, और ये इस दिन भी वॉल्यूम बढ़ के एकदम ऊपर गया था, फिर थोड़ा सा करेक्शन आया और एकदम शूट अप हो गया। तो यहाँ पर हम लोग जिस तरह का वॉल्यूम और प्राइस एक्शन जो दिख रहा है टेक्निकल लेवल पे, तो यहाँ देख रहे हैं कि वॉल्यूम बढ़ रहा है और प्राइस भी बढ़ रहा है, यानी कहीं ना कहीं कंपनी में स्ट्रेंथ आ रहा है। तो प्राइस और वॉल्यूम का जो एक्शन है ये काफी पॉजिटिव चीज दिखा रहा है टेक्निकल लेवल पे, ठीक है। पर टेक्निकल के बेसिस पे कभी भी हम लोग कोई डिसीजन नहीं लेंगे क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। तो इन्वेस्टिंग अगर हम लोग को करना है, अगर खाली ट्रेडिंग करना है तो अलग बात है, पर अगर आपको एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ढूंढना है तो वहां पर हम लोग जब तक बिजनेस को पूरी तरह से ना समझ लें, बिजनेस का पूरा आइडिया नहीं ले लें, हम लोग कभी भी कोई डिसीजन नहीं लेते।
अब इनका अगर कॉन्स का बात करें तो प्रमोटर का होल्डिंग लो है, टैक्स रेट भी थोड़ा सा कम है क्योंकि पास्ट में कंपनी शायद लॉस की थी या क्या, वो अभी देखेंगे तो पता चलेगा। कंटिंजेंट लाइबिलिटी है कंपनी में, तो ये एक थोड़ा सा नेगेटिव चीज है कंपनी में कि 4,634 करोड़ का कंटिंजेंट लाइबिलिटी है, उतना तो शायद इसके इक्विटी भी नहीं है, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव चीज है और ये बहुत बड़ा नेगेटिव चीज है। कंपनी हैज डिलीवर्ड गुड ग्रोथ, ग्रोथ कंपनी ने अच्छा दिखाया है, फिर हेल्दी डिविडेंड पे आउट है 80% का, तो वो चीज तो अच्छा है, पर ये कंटिंजेंट लाइबिलिटी क्यों है, दैट इज अ क्वेश्चन मार्क। पीयर कंपैरिजन का अगर हम बात करें तो 17 के पी पे ट्रेड कर रहा है, अगर इसके साथ साथ दूसरे अगर लॉजिस्टिक कंपनी का हम बात करें तो उन लोग का पी इससे थोड़ा सा हाई है। महिंद्रा लॉजिस्टिक्स का पी तो 112 है, फिर वीआरएल लॉजिस्टिक्स 26 है, ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन 18 है, तो वहां पर ये थोड़ा सा सस्ता है। फिर अगर मैं बात करूं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी का, तो इसका 12% 12.5% रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, 14% रिटर्न ऑन इक्विटी है, तो हाँ कंपैरेटिवली सबसे अच्छा तो नहीं है, बट एट द सेम टाइम कुछ कुछ चीज ये कंटेनर कॉरपोरेशन से बेटर है, महिंद्रा लॉजिस्टिक्स से बेटर है। प्राइस टू बुक का अगर प्राइस टू फ्री कैश फ्लो का बात करूं तो 16 के वैल्यूएशन पे अवेलेबल है, बाकी लोगों का वैल्यूएशन बहुत हाई है। ईवी बाय ईबिटा का बात करें तो ये 10 के ईवी बाय ईबिटा, 10.6 के ईवी बाय ईबिटा पे अवेलेबल है कंपनी, बाकी लोग जो है वो 12 साढ़े 12 के रेंज में, तो हर पैरामीटर में वैल्यूएशन बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं दिख रहा है। पेग रेशियो भी अच्छा है, 0.4 का पेग रेशियो, विच इज ऑल्सो गुड, तो वैल्यूएशन वाइज थिंग्स आर नॉट दैट बैड। ठीक है, अब देखते हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में, तो क्वार्टरली रिजल्ट को थोड़ा सा एनालाइज करते हैं, तो क्या देखेंगे हम लोग, मार्च 21 में 346 करोड़ का रेवेन्यू था, इसका कंसोलिडेटेड नंबर्स देखना सही रहेगा। ओके, तो कंसोलिडेटेड नंबर हम लोग के पास आ गया है, उसको देखते हैं हम लोग। तो मार्च 21 में इनका जो रेवेन्यू था 350 करोड़ का था, जून 21 में 330 करोड़ का रेवेन्यू हो गया, दिसंबर 21 में 349 करोड़ का हुआ, मार्च 22 में 359 करोड़ का हुआ, और जून में अभी 344 करोड़ का इन्होंने रेवेन्यू किया। अगर ऑपरेटिंग मार्जिन का बात करूं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का, तो 27% के आसपास का मार्जिन इनका रहता है, इस क्वार्टर में थोड़ा सा कम होकर 25% हुआ है। अदर इनकम का बात करें तो कोई खास अदर इनकम नहीं है, इंटरेस्ट का बात करें तो 12 करोड़ 13 करोड़ का क्वार्टरली इंटरेस्ट कंपनी पे कर रही है। डेप्रिसिएशन का बात करूं तो डेप्रिसिएशन इनका जो है वो क्वार्टरली 30 करोड़ के आसपास का डेप्रिसिएशन दिख रहा है एट एन एवरेज, तो कहीं ना कहीं साल का 110 करोड़ 115 करोड़ के आसपास का डेप्रिसिएशन बनता है। अर्निंग पर शेयर का बात करें तो इस क्वार्टर में 1.15 रुपया का अर्निंग आया है, मार्च में 1.1070 रुपया का अर्निंग आया था, इसके पहले ये अर्निंग कुछ ज्यादा ही दिखा रहा है, ये कोई एब्सर्ड नंबर है, इसको इग्नोर करते हैं। जून में 2.16 रुपया का अर्निंग था और मार्च में 2.28 रुपया का, तो ये चीज नेगेटिव क्या हो रहा है कि इनका दिन पे दिन अर्निंग पर शेयर कम होते जा रहा है, तो ये एक नोट करने का है कि अर्निंग्स दिन पे दिन डिप्लीट कर रहा है, और यही कारण है कि क्यों शेयर का प्राइस बीच में गिर गया। पर अभी आगे वाला फ्यूचर जो है वो शायद अच्छा दिख रहा है, यही कारण है कि अगेन इसमें वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं, प्राइस बढ़ रहा है, तो जरूर जो लोग इसमें एंट्री ले रहे हैं उनको फ्यूचर में कुछ ऐसा दिख रहा है जो हमें फिलहाल अभी हिस्टोरिकल नंबर्स में नजर नहीं आ रहा। तो अब क्या होता है, मैं इसलिए बार बार बोलता हूँ कि एज एन एनालिस्ट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम बिजनेस को एनालाइज करना सीखे, खाली फंडामेंटल या टेक्निकल को देखेंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि जैसे इसी का एग्जाम्पल लीजिए, फंडामेंटल सब कुछ खराब दिख रहा है, कुछ बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है, इनके रिवेन्यूज कंसिस्टेंट है, कोई खास ग्रोथ नहीं दिख रहा है, इनके नंबर्स या ईपीएस देखें तो दिन पे दिन गिरते जा रहा है, मार्जिन डिप्लीट हो रहा है, तो ये चीज देख के फंडामेंटल एनालिसिस जो करते हैं या फंडामेंटल एनालिस्ट जो होते हैं वो क्या बोलेंगे, अरे नंबर्स दिन पे दिन खराब हो रहा है तो कंपनी खराब हो रही है, अगर कंपनी खराब हो रही है तो वॉल्यूम क्यों बढ़ रहा है, प्राइस क्यों बढ़ रहा है। अभी मैं इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न आपको दिखाऊंगा तो आप शॉक हो जाएंगे क्या ये क्या हो रहा है, नंबर्स इतने खराब और शेयर होल्डिंग पैटर्न इतना पॉजिटिव क्यों दिख रहा है, तो ये सारा कुछ क्या होता है, तो जरूर कुछ ऐसा बिजनेस में पोटेंशियल है फ्यूचर में जो अभी शायद इस नंबर्स में नजर नहीं आ रहा, और एज अ एनालिस्ट एज अ इन्वेस्टर इनफैक्ट हम लोग स्टॉक मार्केट को समझ जाइए कि स्टॉक मार्केट इज ऑल अबाउट
एक्सपेक्टिंग एंड एंटिसिपेटिंग द फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ द बिजनेस। इट्स नॉट अबाउट द पास्ट, इट्स अबाउट द फ्यूचर, कि फ्यूचर में बिजनेस में क्या पॉजिटिव डेवलपमेंट या नेगेटिव डेवलपमेंट हो सकता है, उस बेसिस पे आज इन्वेस्टमेंट किया जाता है, ना कि पास्ट में क्या हो गया। पास्ट में जो होना था दैट इज ऑलरेडी इन द नंबर्स। फ्यूचर में क्या हो सकता है, हो सकता है खराब हो सकता है अच्छा हो। अगर फ्यूचर में दिखता है कि खराब होगा तो आज मेरे पोर्टफोलियो में वो कंपनी नहीं होनी चाहिए, और फ्यूचर अगर अच्छा दिखता है तो वो कंपनी मेरे पोर्टफोलियो में होनी चाहिए। तो एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन कि फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस क्या होने वाला है, और इसीलिए बहुत जरूरी होता है कि हम बिजनेस को प्रॉपरली एनालाइज करें, बिजनेस को डीपली समझें, उसके बाद ही हम लोग कुछ प्रॉपर डिसीजन मार्केट में ले पाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस का मैं बात करूं तो प्रॉफिट एंड लॉस में अगर हम लोग देखते हैं कि मार्च 2020 में इनका जो रिवेन्यू था 1292 करोड़ का था, मार्च 2021 में ये ऑलमोस्ट 1200 करोड़ का हुआ, 1180 करोड़ के आसपास, और मार्च 2022 में ये बढ़ के 1374 करोड़ हो गया। तो नंबर्स वाइज, रिवेन्यू वाइज एक अच्छा ग्रोथ दिख रहा है, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का बात करें तो 24% था, फिर 27% हुआ, और मार्च 2022 में भी 27% का मार्जिन उन्होंने किया है। अदर इनकम ठीक है, 25-30 करोड़ अदर इनकम रहता है। इंटरेस्ट इनका दिन पे दिन कम हो रहा है, पहले मार्च 2020 में 103 करोड़ था, फिर 21 में 80 करोड़ था, और अभी मार्च 22 में ये 65 करोड़ रह गया, विच इज गुड साइन। डिप्रिसिएशन का बात करें तो मार्च 2020 में 133 करोड़ का था, 21 में 131 करोड़ का डिप्रिसिएशन था, और अभी 22 में घट के 128 करोड़। तो डिप्रिसिएशन का अमाउंट जो है ना इनका बहुत बड़ा है। तो डिप्रिसिएशन का अमाउंट को आप समझ लीजिए कि ये नॉन कैश एक्सपेंसेस है। तो ये 128 करोड़ पीएल अकाउंट में डेबिट जरूर हुआ है, पर ये पैसा कहीं गया नहीं है, तो ये पैसा इनके पास ही पड़ा है। तो कैश फ्लो बहुत अच्छा अच्छा कंपनी जनरेट कर रही है। अगर 128 करोड़ रुपया डिप्रिसिएशन पेमेंट करने के बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स 210 करोड़ हो रहा है, तो अगर डिप्रिसिएशन का पैसा को मैं ऐड कर दूं तो ये 338 करोड़ के आसपास का कैश आता है, प्रोवाइडेड कि ये पूरा जो रेवेन्यू है कैश में है, तो उतना होता नहीं है, एक आइडिया बता रहा हूँ। तो जो नेट प्रॉफिट इनका आया है पूरे साल में ये 210 करोड़ था, -7% टैक्स दिख रहा है, ये टैक्स का रिफंड आया होगा कुछ, पर एज एन इन्वेस्टर जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग अज्यूम करते हैं 200 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स, 25% टैक्स चला जाएगा, तो 50 करोड़ रुपया टैक्स चला गया, तो 150 करोड़ का इनका नेट प्रॉफिट हुआ है। अगर पूरा एडजस्ट करके हम प्रॉपर नंबर्स के हिसाब से देखें तो नेट प्रॉफिट इनका साल में कितना हुआ है, 150 करोड़। तो ये जो 224 करोड़ दिखा रहा है इसको नहीं देखना चाहिए, 150 करोड़ रुपया का इनका नेट प्रॉफिट हुआ। तो उसको भी अगर हम कंपेयर करें मार्च 2020 से या मार्च 2021 से, तो वहां से दोनों से इम्प्रूवमेंट है। अर्निंग पर शेयर यहाँ पर 5 रुपया था, यहाँ पर 4 रुपया 60-70 पैसा आया, और यहाँ पर भी आप चाहें तो कैलकुलेट कर सकते हैं, 50 करोड़ शेयर है तो आप कैलकुलेट कर लो एडजस्ट करने के बाद। सेल्स ग्रोथ का बात करें तो पिछले साल 16% का सेल्स ग्रोथ आया है। बैलेंस शीट के नंबर्स अगर देखते हैं तो इनका डेट अभी 600 करोड़ के आसपास का कंपनी में डेट है, अदर लाइबिलिटीज 189 करोड़ के आसपास है, फिक्स्ड एसेट इनके पास 1790 करोड़ का फिक्स्ड एसेट है। कैश और इन्वेंट्री देखते हैं तो इनके ट्रेड रिसीवेबल 118 करोड़ है, कैश इनके पास 190 करोड़ है, लोन्स एंड एडवांसेस 140 करोड़ का ये लोग दे रखे हैं। तो उसके अगेंस्ट में अगर 600 करोड़ का बोरोइंग है तो आई थिंक उतना पैसा इनके पास मोर और लेस है कि ये लोग पेमेंट कर सकते हैं। कैश फ्लो देखिए, कैश फ्लो ऑपरेशन 363 करोड़, उसमें इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में 40 करोड़ अगर खर्चा भी हो गया तो 320 करोड़ का फ्री कैश फ्लो कंपनी जनरेट करती है। तो अगर कंपनी फ्री कैश फ्लो 320 करोड़ का जनरेट करती है और उसके बुक्स में अगर 600 करोड़ का डेट है तो कोई बड़ी बात नहीं है, 2 साल में चुक जाएगा। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कहां इनका खर्चा हो गया, इनका रिपेमेंट इन्होंने डेट चुकाया 47 करोड़ का, इंटरेस्ट पेमेंट किया 66 करोड़ का, डिविडेंड पे कर दिया 62 करोड़ का, और फिर कुछ फाइनेंशियल लाइबिलिटीज पेमेंट किया 36 करोड़ का। तो जो भी चीज है फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस, वो कहीं ना कहीं डेट चुकाने में या डिविडेंड पेमेंट करने में ही गया है, तो कोई गलत जगह ये इस्तेमाल नहीं हुआ है। रेशियो का बात करते हैं तो डेटर डेज 31 डेज का है, कैश कन्वर्शन साइकिल इज बेसिकली 31 डेज, ठीक है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 12% का है, वो भी धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है। अब यहां पर हम लोग देखते हैं इंटरेस्टिंग चीज क्या हो रहा है, शेयर होल्डिंग पैटर्न पे आप नजर डालिए।
प्रमोटर के पास शेयर 32% है, जून में भी 32% है। फॉरेन इन्वेस्टर के पास मार्च में 19.4% शेयर होल्डिंग था, अभी थोड़ा सा घट के 17.23 हुआ। डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड का देखिए 32% के आसपास होल्डिंग था मार्च में, जो अभी जून में 37% हो गया। एंड आई कैन टेल यू कि अभी जब सेप्टेम्बर के नंबर आएंगे ना, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न म्यूचुअल फंड का और शायद थोड़ा बढ़ता हुआ दिखे, क्योंकि अभी आज या कल में किसी म्यूचुअल फंड ने इसके बहुत सारे शेयर्स खरीदे हैं। पब्लिक का बात करें तो पब्लिक के हाथ से शेयर धीरे धीरे कम होते जा रहा है, 15.5% से ये 13.5% पे आ गया, और सितंबर में हो सकता है ये नंबर थोड़ा सा और कम दिखे। तो ये चीज दिखा रहा है कि कुछ ऐसा फ्यूचर इसके बिजनेस में है जो म्यूचुअल फंड को दिख रहा है, जो शायद आम पब्लिक को नहीं दिख रहा है, और इसीलिए ये शेयर क्या हो रहा है, आम पब्लिक के हाथ से, हम जैसे छोटे छोटे रिटेलर्स के हाथ से निकलते जा रहा है और बड़े बड़े म्यूचुअल फंड के हाथ में जाते जा रहा है। तो इसके पीछे क्या कारण है, क्या वजह है, ये हम लोग जब बिजनेस समझेंगे ना, तब शायद हम लोग को आइडिया मिलेगा। खाली नंबर्स को देख के कोई आइडिया यहाँ से नहीं मिलता। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको फंडामेंटल्स अभी तक जितना हम लोगों ने डिस्कस किया वो पूरा क्लियर हो गया होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके बिजनेस को समझते हैं। पर आगे बढ़ने से पहले 2 मिनट अगेन आपका लूंगा, आपको बोलूंगा कि अगर आपको ये अच्छा लग रहा है हमारा वीडियो, कुछ पसंद आ रहा है, हमारे नॉलेज जो शेयर हम कर रहे हैं उससे आपको कुछ फायदा हो रहा है, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी इस तरह का नॉलेजेबल कंटेंट ले पाए। और अगर आप फर्स्ट टाइम में हमारे वीडियो में आए हैं, हमारे चैनल में आए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसका जो पार्ट टू वाला वीडियो आएगा ना, वो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। पर नोटिफिकेशन तब मिलेगा जब आप बेल बटन दबाएंगे और उसमें ऑल का जो ऑप्शन है वो प्रेस करेंगे, तो वो भी कर दीजिएगा, ताकि पार्ट टू का नोटिफिकेशन इमिडिएटली आपको मिल जाए। और आगे चल के हम और भी बहुत सारे कंपनी पे हम लोग इसी तरह से डीप डाइव एनालिसिस करेंगे, वीडियोस बनाएंगे, तो वो भी आपको मिल जाए। तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए हमारे चैनल को, ताकि आपको और भी अच्छे अच्छे कंटेंट्स मिले। चलिए बढ़ते हैं आगे और समझते हैं इसके बिजनेस को। तो कंपनी का बिजनेस क्या है ये समझते हैं पहले। इट इज इंडियाज लीडिंग इंटीग्रेटेड इंटर मोडल लॉजिस्टिक्स कंपनी। अब समझना होगा ये इंटर मोडल लॉजिस्टिक्स कंपनी क्या होता है, इनका काम क्या है। दे प्रोवाइड सर्विस अक्रॉस वैल्यू चेन ऑफ इंटर मोडल लॉजिस्टिक्स। तो ये लोग जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं अक्रॉस द वैल्यू चेन, ये लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं इंटर मोडल लॉजिस्टिक्स। अभी हम लोग अलग अलग मोड्स के फॉर्म में, इंटर मोडल का मतलब या रेलवे का भी ये लोग सर्विस प्रोवाइड करेंगे, फिर रेलवे से अगर रोड का भी कोई रिक्वायरमेंट होगा तो रोड का सर्विस भी प्रोवाइड करेंगे, उसके बीच में अगर कहीं पर स्टोरिंग का काम करना है तो वेयर हाउसिंग फैसिलिटी भी ये लोग प्रोवाइड करते हैं। तो इसको बोलते हैं इंटर मोडल लॉजिस्टिक सर्विस, जो कि ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। आई थिंक ये अब एकदम क्लियर हो गया होगा कि इंटर मोडल लॉजिस्टिक सर्विस क्या है। फिर दे हैव अ नेटवर्क ऑफ 9 ICDs। नाउ व्हाट इज आईसीडी? आईसीडी का फुल फॉर्म होता है इनलैंड कंटेनर डिपो। ठीक है, इसको अभी हम लोग डिटेल में समझेंगे कि आईसीडी क्या काम करता है, पहले इसको बिजनेस को समझ। सो दे हैव नेटवर्क ऑफ 9 ICDs एंड कंटेनर फ्रेट स्टेशन। CFS का मतलब होता है कंटेनर फ्रेट स्टेशन कनेक्टेड टू मैरिटाइम पोर्ट्स अक्रॉस इंडिया। तो ये लोग अक्रॉस इंडिया जितने भी मैरिटाइम पोर्ट्स है, मैरिटाइम पोर्ट्स मतलब ऐसे पोर्ट्स जहां पर 12 महीना वहां पर सी सी में पानी रहता है, तो वहां पर सी के थ्रू हम लोग सी रूट के थ्रू इंपोर्ट या एक्सपोर्ट 12 महीना कर सकते हैं, दैट इज मैरिटाइम पोर्ट्स। दे आर स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड। अब इनका जो लोकेशन है वो बहुत स्ट्रेटेजिक है। स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड टू सर्व ऑल द मेजर इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन्स ऑफ इंडिया। और यानी इनके जो आईसीडीज और सीएफएस है वो ऐसे जगह पे लोकेटेड है कि इंडिया के ज्यादातर जो भी इंडस्ट्रियल जोन्स है और मैन्युफैक्चरिंग जोन्स है उसको सर्विस प्रोवाइड कर सके। दे हैव लार्ज फ्री फ्लीट ऑफ ट्रेन सेट्स। नाउ व्हाट इज ट्रेन सेट्स? जिसको हम लोग मालगाड़ी बोलते हैं। अगर आप मेरा बैकग्राउंड देख सकते हैं तो बैकग्राउंड में ये जो आपको गाड़ी दिख रहा है, ये वाला गाड़ी जो दिख रहा है आपको बैकग्राउंड में, तो उसको भी एक तरह से वो ट्रेन सेट ही बोलते हैं। तो ये लार्ज फ्लीट ऑफ ट्रेन सेट्स एंड ट्रेलर्स केपेबल ऑफ कैरिंग 20 फीट एंड 40 फीट रीफर कंटेनर्स। अब इसको समझिए, ये बोल रहे हैं दो तरह का गाड़ी होता है, एक तो मालगाड़ी हम लोग सब जानते हैं है ना, गुड्स ट्रेन, तो उसको बोलते हैं फ्लीट ऑफ ट्रेन सेट्स। और ट्रेलर क्या होता है, ये बड़ी बड़ी लॉरी होती है, लॉरी के ऊपर जब कंटेनर रख के चला जाता है ना तो उसको ट्रेलर्स बोलते हैं। ठीक है, जब ट्रेन, जैसे ये हुआ देखिए, ये प्लेटर है, इसके ऊपर ट्रेन में आप देखोगे कि नीचे में ऐसे चक्कर रहता है,
मालगाड़ी में, और ऊपर में ऐसा फ्लैट रहता है, उसके ऊपर ऐसे बड़े बड़े कंटेनर रखे जाते हैं, ठीक है, ये होता है कंटेनर। तो ये कंटेनर जब मालगाड़ी के ऊपर रखा जाता है, जो गुड्स ट्रेन जिसको बोलते हैं, तो वो हो गया ट्रेन सेट। पर सेम चीज क्या होता है लॉरी के ऊपर भी, आप मूवीज में देखे होंगे बहुत सारे, कि बड़े बड़े लॉरी होते हैं उसके ऊपर एक ऐसा कंटेनर रख के चलता है, तो वो उसको बोला जाता है ट्रेलर्स। तो इनके पास ट्रेन्स भी है, ट्रेलर्स भी है, और बड़े बड़े ट्रेन सेट और ट्रेलर है, जहां 20 फीट का कंटेनर भी आ सकता है, 40 फीट का कंटेनर भी आ सकता है, ठीक है, बड़ा कंटेनर भी आ सकता है। लार्ज इक्विपमेंट बेस है इनके पास, कंप्राइजिंग ऑफ रीच स्टैकर्स, एम्प्टी हैंडलर्स, हाइड्रा क्रेन्स, फॉर्क लिफ्ट्स एंड इंट्रा ट्रांसफर व्हीकल्स। तो इनके पास जो इक्विपमेंट बेस है उसमें ये सारे चीज है। अभी हम फोटो से भी देखेंगे कि ये सारे चीज होता क्या है, ठीक है, थोड़ा देर में देखते हैं कुछ स्लाइड्स बाद। रिलायबिलिटी इन रेल फ्रेट मूवमेंट फैसिलिटेड बाय डीएफसी। तो ये बोल रहा है कि जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जिसपे अभी सरकार बहुत बुलिशली काम कर रही है, उसके वजह से क्या होगा, रेल फ्रेट मूवमेंट यानी जो मालगाड़ी के थ्रू कार्गोस को भेजा जाता है, उस पर रिलायबिलिटी बढ़ेगा। और उसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी अगर कोई होगा तो वो ये कंपनी होगा, क्योंकि इसके पास खुद के रेक्स हैं, अपना खुद का रेक है। रेक यानी जो मालगाड़ी जो डिब्बा होता है उसको रेक बोलते हैं। तो इनके पास खुद के रेक फैसिलिटी है, ट्रेन सेट्स है, खुद का ट्रेलर्स है, तो ये बेनिफिट इनको डेफिनेटली आगे चल के मिलेगा। रेलवे लिंक्ड इनलैंड कंटेनर डिपो। अब इनके पास जो इनलैंड कंटेनर डिपो यानी आईसीडीज है, उसका सबसे बड़ा खासियत क्या है कि ये रेलवे से लिंक किया हुआ है। तो रेलवे से लिंक किया हुआ मतलब आईसीडी क्या होता है, आईसीडी मतलब होता है एक वेयर हाउस के जैसा जगह, जहां पर जिसको भी अपना सामान एक्सपोर्ट करना है वो लाके अपना सामान यहाँ रख सकता है। तो मान लो कि फॉर एग्जाम्पल किसी का फैक्ट्री यहाँ पर है, उसको एक्सपोर्ट करना है, तो एक्सपोर्ट करने के लिए क्या होता है, ये सामान को आपको आईसीडी में लाना पड़ेगा। आईसीडी कहाँ पर होता है, जनरली जहां पर पोर्ट्स नहीं होते हैं तो वहां पर आईसीडीज बनाया जाता है। फिर यहां से सामान भेजा जाता है सीएफएस के पास, कंटेनर फ्रेट स्टेशन जिसको बोलते हैं, सीएफएस के पास। और सीएफएस कहाँ लोकेटेड होता है, जहां पर एक्चुअली पोर्ट होता है, यानी जहां पर सी होता है, यहाँ पर इसके बगल में सीएफएस होता है। तो ये समझ लो यहाँ पर शिप है, इसके थ्रू सामान जाएगा। तो ये मेरे फैक्ट्री से ये आईसीडी तक पहुंचने के लिए नॉर्मली रोड का रूट लिया जाता है, जो बहुत ही कॉस्टली होता है। पर जब डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर तैयार हो जाएगा ना, तो लोग चाहेंगे कि हम रोड के थ्रू नहीं भेज के रेलवे के थ्रू आईसीडी में भेजें। तो रेलवे के थ्रू जब आईसीडी में भेजेंगे तो वो किसको बेनिफिट होगा, जिसके पास अपना खुद का रेलवे लाइन यहाँ बिछा हुआ है, जिसके पास खुद का रेलवे से कनेक्टेड आईसीडी है, रेलवे से लिंक किया हुआ है, तो उसका बेनिफिट किसको होगा, गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्क। तो यानी मेरे को अगर फैक्ट्री से आईसीडी में भेजना है, मैं बोलूंगा कि मैं रेलवे के थ्रू भेजूंगा, आराम से यहाँ पर पहुंच जाएगा। और ये लिंकेज किसका किया हुआ है, गेटवे रेलवे से लिंक किया हुआ है इनके आईसीडी से। फिर आईसीडी से लिंक किया हुआ है सीएफएस, वो भी रेलवे के थ्रू लिंक किया होगा, तो यहाँ से अगेन एक मालगाड़ी के थ्रू सीएफएस में चला जाएगा। फिर सीएफएस से आराम से जहां भी पोर्ट में एक्सपोर्ट करना है वो सामान एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो ये पूरा चेन इनके पास है, तो वही इनको एडवांटेज है। तो क्या बोल रहा है, आईसीटी केटरिंग टू एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस आर लोकेटेड इन गुड़गांव, फरीदाबाद, लुधियाना एंड विरनगम नियर अहमदाबाद। तो इनके पास अलग अलग आईसीडीज हैं जो कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस को फैसिलिटेट कर सकते हैं। और ये आईसीडी कहाँ कहाँ पर है, गुड़गांव में है, फरीदाबाद में, लुधियाना में है, और एक अहमदाबाद के आसपास कहीं पर है। और टोटल इनका इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितना है आईसीडी के पास, 6,50,000 TEUs। नाउ व्हाट इज TEUs, TEUs का मतलब होता है कंटेनर 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट। यानी जो मैंने कंटेनर का बात किया था, तो 20 फुट का कंटेनर आता है एक, जो स्टैंडर्ड साइज माना जाता है, और एक आता है 40 फुट का कंटेनर, जो थोड़ा सा लार्ज साइज माना जाता है। तो ये 20 फुट वाला को एक्चुअली TEU बोलते हैं, और सबसे ज्यादा यही यूज होता है। तो इनके पास 6,50,000 वैसे कंटेनर रखने का जगह है सारे आईसीडी मिला के। और इनके पास 31 ट्रेन सेट्स है, यानी 31 ट्रेन है, जिसमें 21 इनका खुद का है, 10 शायद लीज पे लिया हुआ है। कंपनी ऑपरेट्स रेल लिंक्ड ट्रांसपोर्ट सर्विस फॉर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट कंटेनर्स बिटवीन 4 आईसीडीज। तो 4 ऐसे आईसीडीज हैं इनके पास जो रेलवे से डायरेक्टली लिंक किए हुए हैं, ठीक है। एंड की पोर्ट्स, और कौन कौन सा की पोर्ट से केटर करते हैं,
जेएनपीटी, मुंद्रा एंड पीपावैव। तो ये तीन बड़े बड़े पोर्ट ऐसे हैं। मुंद्रा पोर्ट हम लोग जानते हैं, बहुत बड़ा पोर्ट है, इससे बहुत सारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम होता है। जेएनपीटी ये तो इंडिया का सबसे लार्जेस्ट पोर्ट है, और पीपावाव भी बड़ी पोर्ट है, और ये तीनों पोर्ट से इनका लिंक बैठाया हुआ है। स्ट्रॉन्ग अर्ली मूवर एडवांटेज इन आईसीडी बिजनेस, और ये लोग आईसीडी बिजनेस में सबसे पहले अर्ली मूवर एडवांटेज इनको मिलेगा, दूसरों को क्यों नहीं मिलेगा? प्रश्न आता है कि दूसरों जो ऑल कार्गो लॉजिस्टिक है या दूसरी कंपनी है, वो लोग भी तो आईसीडी का काम करते हैं, पर इनके पास जो एडवांटेज है कि इनका आईसीडी रेलवे से लिंक किया हुआ है, जो एडवांटेज शायद बाकी कंपनीज मिस कर रही है। और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जब बनेगा, और गवर्नमेंट भी यही चाहता है कि जो लॉजिस्टिक्स जो रोड पे इतना ज्यादा डिपेंडेंट है, उसका जो वॉल्यूम है वो रोड से शिफ्ट होके रेलवे पे आ जाए, तो रेलवे के थ्रू जब गुड्स का मूवमेंट बढ़ेगा ना, उसमें इनको बेनिफिट मिलेगा। केटरिंग टू नॉर्दर्न मार्केट, सो नॉर्दर्न मार्केट में इनके पास बहुत बड़ा इस बात का एडवांटेज है, और नॉर्दर्न मार्केट में शेयर ऑफ 14% इन एनसीआर एंड 35% इन लुधियाना। तो मार्केट शेयर इनके पास जो है 14% एनसीआर का और 35% लुधियाना का। आईसीडी वॉल्यूम सेट टू गेट मेजर थ्रस्ट, अब ये बोल रहे हैं आईसीडी में जो वॉल्यूम होगा ना, वो आगे चल के बहुत बढ़ने वाला है, उसको मेजर थ्रस्ट मिलने वाला है। क्यों मिलने वाला है? बिकॉज ऑफ कमीशनिंग ऑफ वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ड्यू टू इंप्रूव्ड रिलायबिलिटी ऑफ फ्रेट ट्रांसपोर्ट बाई रेल एंड शिफ्ट इन मोडल शेयर फ्रॉम रोड टू रेल। यानी बोल रहे हैं डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर चालू होने के बाद जो शिफ्ट आएगा, कि रोड से शिफ्टिंग रेलवे की तरफ आएगा लॉजिस्टिक्स का, इनको वहां पर बहुत बड़ा एडवांटेज मिलेगा। ऑल आईसीडीज हैव एडुक्वेट लैंड बैंक, और ये बोल रहे हैं जितना भी आईसीडी इनके पास है, सबके पास एडुक्वेट लैंड बैंक है, बहुत सारा लैंड पड़ा है कि ये लोग जब चाहे अपने कैपेसिटी को आसानी से डबल कर सकते हैं। तो जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का, वहां वॉल्यूम्स बढ़ेंगे, तो ये लोग आराम से वहां पर अपने कैपेसिटी भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इनके पास बहुत सारा एक्स्ट्रा लैंड पार्सल पड़ा हुआ है। तो समझ में आ गया कि कंपनी क्या बिजनेस कर रही है और आगे चल के इनको क्या चीज पे बेनिफिट मिलने वाला है। कंटेनर फ्रेट स्टेशन का बात करते हैं, अभी हम लोग बात किए थे आईसीडी का, अब कंटेनर फ्रेट स्टेशन। तो इनके पास 5 कंटेनर फ्रेट स्टेशन है, और टोटल कैपेसिटी उसमें 5,36,000 TEUs का है। यहाँ पर 6,50,000 कंटेनर रखने का जगह था, और इसमें 5,36,000 कंटेनर रखने का जगह है। और ये केटर किसको करता है? जेएनपीटी को करता है, एंड की सदर्न पोर्ट्स ऑफ चेन्नई, विशाखापट्टनम, कोची एंड कृष्णापट्टनम। तो ये चार अलग अलग साउथ के जो पोर्ट्स है उसको केटर करता है। केटर करता है मतलब, मान लो अगर ये चार अलग अलग साउथ के पोर्ट है, तो ये चारों पोर्ट के बगल में इनका कंटेनर फ्रेट स्टेशन है, ये चार कंटेनर फ्रेट स्टेशन से इनके। तो कंटेनर फ्रेट स्टेशन क्या होता है? ये सामान को वेयर हाउसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, और वहां से ढंग से पैकिंग वैकिंग करके पूरा सा पैलेटाइजेशन करने के बाद वो सामान को यहाँ भेज दिया जाता है। दिस इज व्हाट दे एक्चुअली डू। और फिर यहाँ से सामान जहां भी एक्सपोर्ट होना है वो हो जाता है, या फिर क्या होता है अगर इम्पोर्ट होता है तो इम्पोर्ट होके यहाँ पर आता है, और फिर यहाँ से सीएफएस के पास सामान जाता है। तो सीएफएस इंपोर्टेड गुड्स को लेने का काम करता है, और एक्सपोर्ट होने वाले सामान को देने का काम करता है, और ऐसे चार पोर्ट में इनका कनेक्शन है। दे ऑफर वेरियस सर्विसेज, क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करता है? ट्रांसपोर्टेशन का सर्विस देता है, स्टोरेज का, बॉन्डेड एंड जनरल वेयरहाउसिंग का, एम्प्टी हैंडलिंग एंड स्टोरेज, रिफर कंटेनर्स का, एंड अदर वैल्यू एडेड सर्विस। तो ये सारे सर्विस ये लोग प्रोवाइड करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब समझिए कि आपका सामान आपके फैक्ट्री में है, फैक्ट्री से अगर सामान को सीएफएस तक लाना है तो ये लोग लाने का काम करते हैं। फिर सीएफएस में मान लो आपका जो शिपिंग है, शिपिंग 4 दिन बाद होगा, तो 4 दिन तक तो सामान को स्टोर करके रखना होगा, तो वो स्टोरेज का काम करते हैं। स्टोरेज में भी इनके पास बॉन्डेड वेयर हाउस भी है, जनरल वेयर हाउस भी है। बॉन्डेड वेयर हाउस का मतलब होता है वहां पर थोड़ा सा सिक्योरिटी ज्यादा होता है, सेफ्टी ज्यादा होता है, एंड प्रोबेबली आपसे थोड़ा सा ज्यादा रेंट लेके बोला जाता है कि इसमें आप ही का सामान रहेगा, हम और दो लोगों का सामान इसमें मिक्स नहीं करेंगे। जनरल वेयर हाउस में क्या होता है, इतने ज्यादा फैसिलिटी नहीं मिलता है। फिर एम्प्टी हैंडलिंग, अगर मान लो कि आप जो सामान लाए हैं उसके बाद कंटेनर कुछ खाली हुआ है, तो उसको एम्प्टी कंटेनर को हैंडल करके स्टोर करने का काम भी ये लोग करते हैं। रीफर कंटेनर्स, रीफर क्या होते हैं? वो एक कंटेनर होता है जो एक्चुअली अंदर में रेफ्रिजरेटर होता है, जो कोल्ड स्टोरेज रेफ्रिजरेटर होता है,
कंटेनर अंदर से पूरा रेफ्रिजरेशन होता है उसमें, रेफ्रिजरेशन फैसिलिटी, तो उसको रीफर कंटेनर बोलते हैं, जिसमें खाने पीने का सामान जाता है जो रास्ता में खराब ना हो जाए। मीट हो गया, फिश हो गया, वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, ऐसे सामान को रीफर के थ्रू भेजा जाता है, ना कि ऑर्डिनरी कंटेनर के थ्रू। एंड अदर वैल्यू एडेड सर्विस ये लोग प्रोवाइड करते हैं। फिर द इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ रिवेन्यू इन द सीएफएस बिजनेस इंक्लूड हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन, टर्मिनल सर्विसेज, वेयर हाउसिंग एंड अदर वैल्यू एडेड सर्विस। तो यहाँ जो जो सर्विस मैंने बताया वही इनके लिए सोर्स ऑफ रिवेन्यू। कंपनी हैज बीन कंसोलिडेटिंग इट्स परफॉर्मेंस इन द कंटेनर फ्रेट स्टेट सेगमेंट बाय डाइवेस्टिंग एंड बाय लेटिंग गो ऑफ अनप्रॉफिटेबल बिजनेस। तो बोल रहे हैं अपने सीएफएस के बिजनेस को ये लोग धीरे धीरे कंसोलिडेट कर रही है। कंसोलिडेट करने का मतलब अपने बिजनेस को थोड़ा थोड़ा समेट रही। क्यों समेट रही है? क्योंकि कुछ ऐसा काम था उसमें, कुछ ऐसे पार्ट्स थे जो अनप्रॉफिटेबल थे और कंपनी मैनेज नहीं कर पा रहा, तो उन अनप्रॉफिटेबल चीजों को उन्होंने वहां से डिलीट कर दिया, डिलीट कर दिया, डाइवेस्ट कर दिया, हटा दिया वहां से। क्या क्या सर्विस ये लोग ऑफर करते हैं इसको डिटेल में समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला सर्विस ये लोग प्रोवाइड करते हैं रेल ट्रांसपोर्टेशन का, दूसरा सीएफएस का, तीसरा वेयर हाउसिंग का, और फिर लास्ट माइल ट्रांसपोर्टेशन। रेल ट्रांसपोर्टेशन में इनके पास 31 रेक्स हैं। रेक्स मतलब ये जो गाड़ी है ना, मालगाड़ी, उसको बोलते हैं रेक्स। तो ऐसे 31 रेक्स है, 21 रेक्स इनके खुद के ओनरशिप के। इनके पास लाइसेंस है सरकार की तरफ से कि ये पैन इंडिया रेलवे नेटवर्क्स में अपना मालगाड़ी जा सकता है, इनका मतलब पूरे इंडिया कवर कर सकते हैं। रेगुलर सर्विस ये लोग प्रोवाइड करते हैं बिटवीन जेएनपीटी, मुंद्रा, पीपावव एंड हिंटरलैंड आईसीडीज इन नॉर्थ इंडिया। हिंटरलैंड आईसीडी मतलब जो सी पोर्ट से बहुत दूर है, तो जहां पर सी पोर्ट नहीं होता है जनरली वहीं पर इनलैंड कंटेनर डिपो बनाया जाता है, और फिर वहां से चीजों को कंटेनर फ्रेट स्टेशन तक लाया जाता है। फिर डेडिकेटेड एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेन सर्विस ये लोग प्रोवाइड करते हैं, एंड रीफर कंटेनर्स का सर्विस भी ये लोग प्रोवाइड करते हैं। कंटेनर फ्रेट स्टेशन में ये लोग क्या करते हैं ऑलरेडी मैंने समझाया, वो लोग कंटेनर को हैंडल करते हैं, कस्टम क्लियरेंस कराने में मदद करते हैं, सारा डॉक्यूमेंटेशन और ये सब का काम करके देते हैं। आरएफआईडी इनेबल्ड बॉन्डेड एंड डोमेस्टिक वेयर हाउस एंड एम्प्टी कंटेनर यार्ड्स। आरएफआईडी इनेबल्ड का मतलब क्या होता है, ये एक टेक्नोलॉजी होता है कि जैसे ही वहां से अगर आपका कोई भी सामान बाहर निकला, सारे सामान में क्या होगा, कोई चिप जैसा कुछ लगाया हुआ रहेगा, तो अगर वो सामान आपके परमिशन के बगैर निकल रहा है तो आरएफआईडी में एक बेल बजने लगेगा, अलार्म बजने लगेगा, तो समझ में आ जाएगा कि ये सामान चोरी हो रहा है, तो उसको बोलते हैं आरएफआईडी टेक्नोलॉजी। तो आरएफआईडी इनेबल्ड इनके पास वेयर हाउसेस है कि कोई भी आपके परमिशन के बिना या जो वेयर हाउस कीपर है उसके परमिशन के बिना सामान अगर निकालेगा चोरी से तो तुरंत पकड़ में आ जाएगा। फिर कंटेनर का मेंटेनेंस और रिपेयर का फैसिलिटी ये लोग प्रोवाइड करते हैं। इक्विपमेंट्स का बात करें तो इनके पास रीच स्टैकर्स हैं, इनके पास एम्प्टी हैंडलर्स हैं, इनके पास हाइड्रा क्रेन्स हैं, फॉर्क लिफ्ट्स हैं, इंट्रा ट्रांसफर व्हीकल्स हैं। अगर ये सब बात करें रीच स्टैकर एम्प्टी हैंडलर, तो कहीं ना कहीं सब क्रेन के जैसे, ये आपको एक फोटो में दिख रहा है ना, तो ऐसा ही सब कुछ है, बस उसमें क्या होगा फंक्शनैलिटी थोड़ा थोड़ा अलग होगा, पर ये सारे चीज ऑलमोस्ट एक जैसा ही काम करते हैं, बट थोड़ा थोड़ा फंक्शनैलिटी अलग होता है। वेयर हाउसिंग का बात करें तो जनरल वेयर हाउस है, बॉन्डेड वेयर हाउस है, डोमेस्टिक सिटी पैट कंप्लायंट वेयर हाउस है। सिटी पैट इज अ सर्टिफिकेट जो बताता है कि इसमें सारे वो फैसिलिटीज हैं जो कि एक अच्छे वेयर हाउस में होने चाहिए, तो सिटी पैट कंप्लायंट वेयर हाउस है इनके पास। फिर इनके पास रेकिंग फैसिलिटी अवेलेबल है, एडिक्वेट फोर्क लिफ्ट इक्विपमेंट्स है इनके पास। फोर्क लिफ्ट मतलब ये जो कंटेनर को उठा उठा के रखने वाला जो ये गाड़ी होता है, इसको बोलते हैं फोर्क लिफ्ट इक्विपमेंट्स। फिर इन्वेंट्री मैनेजमेंट करने के लिए सारे सॉफ्टवेयर है इनके पास। दे प्रोवाइड कस्टमाइज्ड सॉल्यूशंस लाइक वेरिएबल प्रेशर क्लैंप फॉर फिट, गारमेंट हैंडलिंग। अगर आपको टेक्सटाइल का आपका कंपनी है, आपको गारमेंट्स को कहीं पर एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट करना है, तो गारमेंट को हैंगर में टंगा के भेजने का काम ये लोग करते हैं। पैलेटाइजिंग का काम करते हैं, यूनिटाइजिंग का, श्रिंक रैपिंग का काम करते हैं। अभी मैं एक वीडियो के थ्रू आपको ये सारा कुछ दिखाऊंगा कि कैसे ये वर्क करता है, ठीक है ना, तो उससे पूरा क्लियरिटी आएगा। पहले ये कवर कर लेते हैं फिर वीडियो में देखेंगे। लास्ट माइल ट्रांसपोर्टेशन, लास्ट माइल मतलब होता है कस्टमर के घर तक पहुंचाना। तो दे प्रोवाइड पिकअप एंड डिलीवरी टू एंड फ्रॉम पोर्ट टू कस्टमर फैक्ट्री, यानी आपके फैक्ट्री से सामान को ले लाना और पोर्ट तक पहुंचाना अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो,
और अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो तो पोर्ट से सामान को लेके आपके फैक्ट्री तक पहुंचाना, ये दोनों काम ये लोग प्रोवाइड करते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। फिर जीपीएस इनेबल्ड ट्रैकिंग है, तो एज अ कस्टमर आप ट्रैक कर सकते हो आपका सामान कहाँ पहुंचा, कंटेनर कहाँ पहुंचा, कितने दिन में आ जाएगा। जैसे अभी हम लोग कोरियर जब लगाते हैं तो वेबसाइट में या ऐप में हम लोग चेक ट्रैक कर सकते हैं ना सामान कहाँ पहुंचा नहीं पहुंचा, सेम जीपीएस इनेबल्ड इनके पास कंटेनर। फिर इनका अपना ओन्ड फ्लीट है, फ्लीट ऑफ 398 ट्रेलर्स। ये ट्रेलर्स क्या होता है, जो मैंने बताया पहले भी कि ये बड़े बड़े लॉरी होते हैं और इस लॉरी के ऊपर ऐसे कंटेनर्स रखे जाते हैं। ये जो है ये कंटेनर, आप देखो मैं जो मार्क कर रहा हूँ ये कंटेनर है, तो ये जो कंटेनर है ये 40 फीट वाला कंटेनर है। मैंने बताया ना दो होता है, एक स्टैंडर्ड साइज जो होता है वो 20 फीट वाला होता है, उसको TEU बोलते हैं, और ये जो बड़ा फोटो में दिख रहा है ये एक्चुअली 40 फीट वाला कंटेनर है। तो इनके पास 398 ऐसे लॉरीज है जिसके ऊपर ऐसा कंटेनर रखा जाता है। ठीक है, उसका कैपेसिटी कितना है, वो 20 फीट वाला कंटेनर लेके भी चल सकता है, 40 फीट वाला कंटेनर भी लेके चल सकता है, ये इसके फैसिलिटीज है। ठीक है, अब हम लोग एक वीडियो देखते हैं, उससे समझ में आएगा कि एक्चुअली ये सब फॉर्कलिफ्ट्स और हैंगर और रैपिंग ये सब जो बात हो रहा है इसका क्या मीनिंग है, इसका क्या कंसेप्ट है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर ये पैलेटाइजिंग का काम हो रहा है। ये जो चीज है ना इसको पैलेट बोलते हैं, ये जो नीचे में लकड़ी का है इसको पैलेट बोलते हैं, और पैलेट के ऊपर क्या होता है ये सारे सामान को स्टोर किया जाता है, ताकि क्या होगा ये लोग गिरने का खतरा नहीं हो, इसमें किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर देखिए किस तरह से ये जो पैकिंग किया जा रहा है, ये इसको स्ट्रेच्ड रैप फिल्म का पैकिंग बोलते हैं, रैप फिल्म का पैकिंग, इस तरह से पूरा पैकिंग किया जाता है प्लास्टिक से। तो ये देखिए इस तरह से ये सील सीलिंग इस पूरा सील लगाया जा रहा है कार्टून पे, ताकि पूरा अच्छा से पैकिंग हो जाए। ये देखिए एक एक कार्टून पूरी तरह से पैक हो रहा है। अब इस सारे कार्टून को क्या होगा, एक मशीन के जरिए क्या होगा, इसको पैलेट के ऊपर सजा दिया जाएगा। पैलेट क्या होता है, वो जो नीचे में लकड़ी है जिसके ऊपर ये सारे सामान रखे जा रहे हैं, ये पैलेट है, ये ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है नीचे में, जिसके ऊपर ये सब रखा गया है, इसको बोलते हैं पैलेटाइजेशन। तो ये सारा काम जो है ये लॉजिस्टिक्स कंपनी जो है वो प्रोवाइड करती है, पैलेटाइजेशन का काम बोलते हैं इसको। ये देखिए ग्रीन कलर का नीचे में दिख रहा है ये सारे पैलेट्स, तो ये पैलेटाइजेशन होता है। तो क्या होता है, सामान एक साथ जब जाता है तो वहां गिरने का कुछ खतरा नहीं है। ये देखिए ये पैलेटाइजर, पैलेटाइजर ये मशीन है, ये पैलेटाइजिंग का काम करता है। यहाँ पर इंडिविजुअली देखिए एक एक करके सब आ रहा है, और सब मशीन के जरिए इसको एक एक के ऊपर रखा जा रहा है, यानी कोई भी मैनुअल काम नहीं है, पूरा काम यहाँ पर क्या हो रहा है इक्विपमेंट्स के थ्रू हो रहा है। अब आपको समझ में आ रहा है क्यों कंपनी हाईलाइट करके बता रही है कि मेरे पास इतना ये है इतना वो है। ठीक है, ये सारा देखिए पैलेटाइजेशन कितना सुंदर से ये पूरा सज गया, और ये मशीन होता है, ये मशीन का बात कर रही है कंपनी के पास अलग अलग प्रकार के मशीन है, जो इंटरनल मूवमेंट का जो व्हीकल है वो भी है मेरे पास, ये जो दिख रहा है ये इंटरनल मूवमेंट व्हीकल है, कि हम पैलेट में लेके आए सामान, उस पैलेट को पूरा इसके थ्रू कहीं पर अगर लॉरी में रखना है या किसी में कोई वेसल में रखना है, ये देखिए ये लॉरी है, ये सब इंटरनल वेसल, तो इस तरह से पैलेट बनता है। पैलेट एक छोटा सा मशीन के थ्रू उसमें रख के यहाँ पर आता है, लॉरी के ऊपर ये जो रेक्स है, ये रेक तो नहीं है ये बड़ा सा लॉरी है, ट्रेलर्स उसके ऊपर रख दिया जाता है, या कंटेनर होगा तो उसके ऊपर रख दिया जाए। तो ये सारा इस तरह से काम होता है। तो ये वीडियो से आई थिंक अब आपको एकदम क्लियर समझ में आ रहा है कि कैसे ये पोर्शन काम करता है। आप देख सकते हो थोड़ा सा कि जो बैग होता है, जो सीमेंट का बोरा या इस तरह का चीज होता है, वो भी किस तरह से पैकिंग किया जाता है, कैसे उसका पैलेटाइजेशन होता है। तो ये सारा चीज अब आपको एकदम क्लियर हो गया होगा, तो आपको समझ में आ गया कैसे मशीन्स होता है, मशीन्स के ऊपर कैसे कार्टून पास होता है और कार्टून से पैलेट्स में जाता है। तो उसके लिए उनके पास जो भी इक्विपमेंट्स है, जो जो जरूरत पड़ता है, आप देख सकते हो अभी आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से पैलेट्स को कैरी किया जाता है, ये देखिए इसके थ्रू पैलेट्स को कैरी किया जाता है, बड़े बड़े कंटेनर को इसके थ्रू उठाया जाता है, हाइड्रा क्रेन्स, फिर ट्रेलर्स होते हैं जहां पर कंटेनर ये लॉरी जैसा होता है जहां से कंटेनर को भेजा जाता है,
ट्रेन सेट्स क्या होते हैं, ऐसा मालगाड़ी होता है जिसके ऊपर कंटेनर को रख के भेजा जाता है, तो ये सब चीज क्या होगा जब आप देखोगे तब एक्चुअली आपको आइडिया होगा कि अंदर में किस तरह से काम होता है। इसलिए मैंने वीडियो के थ्रू एक समझाने का कोशिश किया कि अंदर में एक्चुअली काम किस तरह से होता है। बिजनेस का फ्लो चार्ट का बात करें तो बेसिकली द डील इन टू थिंग्स, या तो एक्सपोर्टर को मदद करते हैं या तो इंपोर्टर को मदद करते हैं। एक्सपोर्टर का वैल्यू चेन किस तरह से काम करता है, एक्सपोर्टर को क्या करना है, सामान को अपने फैक्ट्री से पोर्ट तक पहुंचाना, तो फैक्ट्री में उनके पास सामान पड़ा है। अब यहाँ पर लॉजिस्टिक्स कंपनी का क्या रोल है, सारा रोल उसी का है कि रोड ट्रांसपोर्ट के थ्रू हो या रेल ट्रांसपोर्ट के थ्रू हो, जैसा भी हो, वो लोग आपके फैक्ट्री से सामान को कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट करके या तो आईसीडी में पहुंचाते हैं या तो सीएफएस में पहुंचाते हैं, जो भी नियर बाई हो। अगर नियर बाई एक इनलैंड कंटेनर डिपो है तो वहां जाएगा, फिर वहां से कंटेनर फ्रेट स्टेशन तक जाएगा। अगर डायरेक्टली कंटेनर फ्रेट स्टेशन आसपास है तो वहीं पर भेज देंगे। यहां पर पहुंचने के बाद सामान स्टोर होता है, कस्टम क्लियरेंस का सारा डॉक्यूमेंटेशन और ये सारा काम किए जाते हैं। ये सारा क्लियरेंस पाने के बाद रेल ट्रांसपोर्ट के थ्रू या रोड ट्रांसपोर्ट के थ्रू उसको कहाँ भेजा जाता है, पोर्ट में भेजा जाता है, और पोर्ट में फिर शिप के थ्रू सामान एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। तो ये सारा अरेंजमेंट करना, आपके फैक्ट्री से सामान को उठा के पोर्ट तक भेजने का काम, ये सारा लॉजिस्टिक्स कंपनी का होता है। इम्पोर्ट में क्या होता है, ये चेन पूरा उल्टा होता है। पोर्ट में आपका सामान आके पड़ा है, मैं आपके सामान को रेल ट्रांसपोर्ट या रोड ट्रांसपोर्ट के थ्रू कंटेनर फ्रेट स्टेशन तक लेके आऊंगा या आईसीडी तक लेके आऊंगा, वहां पर जो भी कस्टम क्लियरेंस का डॉक्यूमेंटेशन या फॉर्मेलिटीज करना है वो करूंगा। वो क्लियरेंस करने के बाद वहां से सामान आपका डिस्पैच होगा और वो रोड ट्रांसपोर्ट के थ्रू आपके फैक्ट्री तक पहुंच जाएगा। तो ये हुआ इम्पोर्ट का चेन। तो ये दोनों काम में मदद कौन कर रहा है, अल्टीमेटली लॉजिस्टिक्स कंपनी कर रही है। अब आता है बात की फिर लॉजिस्टिक्स कंपनी अगर कर रही है तो गेटवे डिस्ट्रिक्ट आपको कहाँ एडवांटेज, उनको एडवांटेज इस चीज का होगा कि जब सामान इंपोर्ट होगा तो पोर्ट से आईसीडी तक लाना या आईसीडी से फैक्ट्री तक पहुंचाने में अभी क्या होता है, रोड ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल ज्यादा होता है, क्योंकि हम लोग को अपने फ्रेट वाले जो रेल रेल का जो ऑप्शन है वो महंगा पड़ता है, क्योंकि उसमें बहुत टाइम लग जाता है, बहुत बार सामान खराब हो जाते हैं और कॉस्टली पड़ता है। सरकार अभी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर लाके इसको सस्ता करने का कोशिश कर रही है और चाह रही है कि जो लोड रोड ट्रांसपोर्ट पे है वो थोड़ा सा रेल ट्रांसपोर्ट पे शिफ्ट हो जाए और ज्यादा जो मूवमेंट है वो रेल ट्रांसपोर्ट के थ्रू। तो रेल ट्रांसपोर्ट के थ्रू होगा तो उस कंपनी को फायदा होगा जिनके पास अपने खुद के रेलवे नेटवर्क से, अपने खुद के रेक्स हैं, वहां पर गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्क को फायदा पहुंच सकता है जब डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर चालू होगा। सो दे एक्ट एज अ कंसेंट्रेशन पॉइंट्स फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कार्गो एंड इट्स यूनिटाइजेशन, प्रोवाइड सिक्योर स्टोरेज फैसिलिटी, ट्रांजिट फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, कस्टम क्लियरेंस में मदद करता है, अवेलेबिलिटी ऑफ हैंडलिंग स्टोरेज एंड वैल्यू एडेड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, देन ऑप्टिमाइजेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड इन्वेंट्री कॉस्ट। और क्योंकि ये लोग लार्ज स्केल में काम करते हैं तो क्या होता है, बहुत सस्ता में ये लोग ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी प्रोवाइड कर देते हैं जो इंडिविजुअल फैक्ट्री ओनर शायद नहीं कर पाएगा। फिर इनका अगर लोकेशंस का बात करें तो बहुत स्ट्रेटेजिकली बहुत अच्छे अच्छे जगह इनका लोकेशन है। अगर आईसीडी का बात करूं तो गुड़गांव में है, लुधियाना में है, फरीदाबाद में है, अहमदाबाद में। लैंड बैंक आप देखिए 90 एकड़ गुड़गांव में, 60 एकड़ लुधियाना में, 65 एकड़ फरीदाबाद में, 40 एकड़ अहमदाबाद में। कैपेसिटी कितना है इनके पास, 5 लाख कंटेनर का गुड़गांव में, 3 लाख लुधियाना में, 3 लाख फरीदाबाद में और अहमदाबाद में 2 लाख। पर अभी ये लोग खाली 50% कैपेसिटी पे हर जगह काम कर रहे हैं, यानी अगर वॉल्यूम बढ़ता है, डिमांड बढ़ता है, तो 50% तुरंत ये लोग अपना कैपेसिटी बढ़ाने का दमखम रखते हैं। फिर जो रेल आईसीडी लोकेटेड जो है, रेलवे के थ्रू जो आईसीडी के साथ कनेक्शन है, दैट इज लोकेटेड इन नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑफ द कंट्री। तो नॉर्थ वेस्ट रीजन मतलब ये हो गया आपका, ये जो नॉर्थ वेस्ट रीजन है यहां पर इनके पास आप देखिए आईसीडी भी है और कंटेनर फ्रेट स्टेशन भी, और सारा रेलवे से कनेक्टेड है, और यहीं पर वेस्टर्न कॉरिडोर आ रहा है। अब इनका लक देखिए कि जहां पर इनके आईसीडी है वहीं पर सरकार क्या है, जो डेडिकेटेड वेस्टर्न वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर जो सरकार बना रही है वो इसी एरिया में बना रही है। तो अब आगे सोच लीजिए कि कितना बड़ा फायदा इनको होने वाला है। ठीक है, फिर इनके अगर कंटेनर फ्रेट टर्मिनल का बात करूं तो ये मुंबई में है, चेन्नई में है, कृष्णापट्टनम, कोच्चि और विशाखापट्टनम में है। लैंड बैंक आप देख सकते हो 35 एकड़, 30 एकड़, 48 एकड़, 6.5 और 25 एकड़ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं।
आइडिया एक लग गया कि इनके पास जो कैपेसिटी है वो काफी अच्छा, ऑलरेडी इनका इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ है। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि कब जो वॉल्यूम है वो रेलवे की तरफ शिफ्ट होगा और उनको उस चीज का एडवांटेज मिलेगा। बाकी का बात करें, अगर असेट बेस का बात करें, तो इनके पास आईसीडी 6.5 लाख टन का है, कंटेनर का है, सीएफएस 5 लाख 36 हजार कंटेनर का है, वेयरहाउसिंग कैपेसिटी 1 लाख 60 हजार स्क्वायर मीटर का है, रीफर प्लग पॉइंट्स 500 है, इम्प्लॉय स्ट्रेंथ 590 इम्प्लॉयज, ट्रेन सेट्स 31 है जिसमें 21 खुद का है, ट्रेलर्स जो है जो मैंने बताया गाड़ी मतलब लॉरी जैसा गाड़ी जो ट्रेलर्स का मैंने बात किया, तो वो ट्रेलर्स इनके पास कितने हैं, ये जो ट्रेलर्स इनके पास 531 है, रीच स्टैकर्स 50 है और हाइड्रा क्रेन्स 9 है। तो आप देख सकते हो किसको क्या बोलते हैं अगर आपको थोड़ा सा डिटेल में जानना है। ट्रेन सेट्स आप देख सकते हो, ट्रैक्टर ट्रेलर्स का फोटो आप देख सकते हो, रीच स्टैकर्स ये लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े कंटेनर को उठा के एक के ऊपर एक रखते हैं, फिर फोर्क लिफ्टर्स होता है जो कि पूरा पैलेट को ले जाता है एक से दूसरे जगह, फिर क्रेन्स होते हैं अगर और भी ऊंचा ऊंचा कंटेनर्स हैं तो उसको क्रेन्स के थ्रू उठाया जाता है। तो ये सारे इनके पास फिलहाल स्ट्रॉन्ग असेट बेस है, अगर असेट बेस का बात करें तो काफी स्ट्रॉन्ग। फ्यूचर रेडी का अगर बात करें, तो किस तरह से ये कंपनी आज के रेट में फ्यूचर रेडी है, फ्यूचर रेडी मतलब फ्यूचर में जो एडवांटेज मिलने वाला है उसके लिए पूरी तरह से सज्ज है एकदम। तो हेल्दी बैलेंस शीट है इनके पास, स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट विथ लार्ज कैश रिजर्व्स, नेट डेट टू इबिटा 0.86 है खाली। फिर डीएफसी जो है बेनिफिट, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का इनको बेनिफिट क्या मिलेगा, कमीशनिंग ऑफ रेवाड़ी पालनपुर स्ट्रेच कुड बेनिफिट द कस्टमर्स बाय ऑपरेशन ऑफ लॉन्गर हेवियर एंड फास्टर ट्रेन सर्विस विच विल इंप्रूव ऑपरेशनल एफिशिएंसी। तो इनका रेवाड़ी पालनपुर में एक ट्रेन लाइन बन रहा है, तो वहां पर भी जब डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर उस एरिया में बनेगा तो उसका एडवांटेज इनको मिलेगा। फिर स्ट्रैटेजिक लोकेशन से वो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, और नया केपेक्स आ रहा है, दे आर प्लानिंग टू ऐड टू मोर सैटेलाइट टर्मिनल्स इन नॉर्दर्न रीजन ओवर नेक्स्ट फ्यू इयर्स। तो इससे क्या होगा, नॉर्थ में इनका मार्केट रीच बढ़ेगा और मार्केट शेयर भी बढ़ेगा। इसमें 250 करोड़ का इनका टोटल केपेक्स आएगा, दो न्यू लोकेशन पे आएगा, इक्विपमेंट्स ऑलरेडी इनके पास है, इंक्रीज कैपेसिटी हो जाएगा एग्जिस्टिंग लोकेशन में, ये सारा वो करना चाहते हैं। जो 250 करोड़ का केपेक्स होगा उससे लोग क्या करना चाहते हैं, दो नया टर्मिनल बैठाएंगे, नए नए इक्विपमेंट्स लाएंगे, अपने एग्जिस्टिंग लोकेशन का कैपेसिटी बढ़ाएंगे, और वेयर हाउसेस इन एग्जिस्टिंग, जो एग्जिस्टिंग लोकेशन है उसमें वेयर हाउसेस का भी कैपेसिटी ये लोग बढ़ाएंगे। तो ये सारा काम ये लोग फ्यूचर में करना चाहते हैं। शेयर होल्डिंग का अगर मैं बात करूं, तो शेयर होल्डिंग में आप देखो प्रमोटर के पास 32% है, फॉरेन इन्वेस्टर के पास 17% है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर के पास 37% है जो 32% था पिछले क्वार्टर में, बॉडी कॉर्पोरेट्स के पास 1% है, एंड रिटेल इन्वेस्टर के पास सिर्फ 13% है। तो क्या होता है, कुछ भी अगर कंपनी अच्छा हो रहा होता है ना, तो उसमें रिटेल इन्वेस्टर के हाथ से शेयर पहले निकल जाता है। तो और जो फॉरेन जो इंस्टीट्यूशंस है उसमें कौन कौन सा आप नाम पढ़ सकते हैं, एलआईसी है, ईस्ट प्राइजिंग इन्वेस्टमेंट है, फ्रैंकलिन म्यूचुअल फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, मिराय एसेट, आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, एसबीआई म्यूचुअल फंड, कुवैत इन्वेस्टमेंट, तो सब बड़े बड़े और अच्छे पेडिग्री के म्यूचुअल फंड ने इसमें अपना होल्डिंग बना रखा है। तो अब ऐसे पेडिग्री के अगर शेयर होल्डर्स हैं और ऐसे लोगों ने इस कंपनी पे विश्वास दिखाया है, इसका मतलब कुछ तो कंपनी में ऐसा है जो विश्वास करने लायक है, जिसमें फ्यूचर में कुछ अच्छा दिख रहा है। प्रमोटर ग्रुप का बात करें तो प्रेम किशन दास गुप्ता है, ईशान गुप्ता है, मिस्टर संबित गुप्ता है, ये लोग मतलब इस गुप्ता फैमिली से लोग कंपनी को रन कर रहे हैं। स्नोमैन लॉजिस्टिक्स जो है इनकी एक सब्सिडरी कंपनी है, स्नोमैन लॉजिस्टिक्स लिमिटेड एंड एसोसिएट, सॉरी सब्सिडी नहीं एसोसिएट कंपनी है, जिसमें इनका 40% स्टेक है, इज द लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड टेम्परेचर कंट्रोल लॉजिस्टिक्स सर्विस प्रोवाइडर। यानी जो रीफर्स का फैसिलिटी इनके पास है वो स्नोमैन लॉजिस्टिक्स के थ्रू है, और स्नोमैन लॉजिस्टिक्स जो है वो इंडिया की सबसे बड़ी लॉजिस्टिक कंपनी है जो रीफर्स फैसिलिटी, रीफर क्या होता है, रेफ्रिजरेटर, जो कंटेनर होता है पर अंदर में कोल्ड स्टोरेज होता है, फ्रूट्स वेजिटेबल फ्रीट फिश मीट ये सब को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, तो उसमें इनका होल्डिंग है, तो विच इज अ गुड साइन। फिर स्नोमैन इज अ नेशन वाइड नेटवर्क ऑफ टेम्परेचर कंट्रोल्ड वेयर हाउस, तो स्नोमैन के पास जो वेयर हाउस है वो भी मेनली टेम्परेचर कंट्रोल यानी जिसको कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउस बोलते हैं वो स्नोमैन के पास बहुत ज्यादा है, तो उसका एडवांटेज इसको मिल जाता है।
फिर स्नोमैन क्या प्रोवाइड करता है, स्नोमैन प्रोवाइड करता है चेन मैनेजमेंट फॉर फार्मा, वैक्सीन्स, ई कॉमर्स, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स, सी फूड, पोल्ट्री, डेयरी, बैटरीज, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, ये सारे सामान का चेन मैनेजमेंट संभालने का काम स्नोमैन करता है, क्योंकि इनके पास रीफर्स है, इनके पास कोल्ड स्टोरेज है, तो खाने पीने का, रेस्टोरेंट से रिलेटेड सामान, सी फूड, डेयरी प्रोडक्ट्स, ये सारा कुछ को कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी चाहिए जो स्नोमैन लॉजिस्टिक्स के पास है, ठीक है। तो ये सारा चीज इनके पास बहुत अच्छा है, ठीक है। अब पहला सेशन को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में जो हम लोग पार्ट टू में आएंगे, तो फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये जो रेल लिंक्ड इनलैंड कंटेनर डिपो है, उससे इनको आगे और क्या फायदा होगा, आगे फ्यूचर में कंपनी और क्या सोच रही है, कैसे बिजनेस को एक्सपैंड करेंगे, और इसका वैल्यूएशन कैसे निकल के आता है, ये सब कुछ हम लोग पार्ट टू में डिस्कस करेंगे, तो वो देखना मत भूलिएगा। पार्ट वन में हम लोगों ने क्या किया, एक बार जिस्ट में समराइज कर लेते हैं। हम लोगों ने इसके फंडामेंटल्स को समझा, नंबर्स क्रंचिंग किया, नंबर्स में हम लोगों को कोई ऐसा हिस्टोरिकल नंबर्स में कुछ बहुत ज्यादा पॉजिटिव नजर नहीं आया, बट बहुत ज्यादा कुछ नेगेटिव भी नहीं दिखा। शेयर होल्डिंग पैटर्न में हम लोग को इंटरेस्टिंग चीज दिखा कि म्यूचुअल फंड ने अचानक से एक क्वार्टर में 5% स्टेक बढ़ाया, और ज्यादा से ज्यादा क्या है, रिटेल इन्वेस्टर के हाथ से शेयर निकल गए। फिर हम लोग इसके बिजनेस में आए, बिजनेस के बारे में डिटेल में समझा कि इन लोग आईसीडी सर्विस में क्या प्रोवाइड करते हैं, क्या क्या इक्विपमेंट्स है इनके पास, कंटेनर फ्रेट स्टेशन क्या क्या है, रेल से ये कैसे लिंक्ड है, और उसका क्या एडवांटेज इनको मिलेगा। तो ये सब कुछ हम लोगों ने अपने फर्स्ट सेशन में कवर किया। सेकेंड सेशन में हम लोग कवर करेंगे कि एक बिजनेस को थोड़ा डिटेल में समझेंगे, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को जानेंगे, इनका आगे केपेक्स का क्या डिटेल्ड प्लान है केपेक्स का, वो समझेंगे, एंड वैल्यूएशन निकालेंगे। तो फर्स्ट सेशन को यही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, बहुत मोटिवेशन मिलता है जब आपके तरफ से लाइक्स आता है, ऐसा लगता है कि मतलब उससे एक कम्युनिकेशन डेवलप होता है हमारे बीच कि हाँ, हम जो रिसर्च कर रहे हैं उससे आपको फायदा हो रहा है, आपको कुछ सीखने मिल रहा है, आपको बेनिफिट हो रहा है। अदरवाइज क्या होता है, हम लोग के बीच में कोई कनेक्शन नहीं हो पाता है, तो समझ में नहीं आता है कि हमारे कंटेंट आपको पसंद आ भी रहे हैं कि नहीं, आपको उससे कुछ बेनिफिट हो भी रहा है कि नहीं। क्योंकि देखिए, अल्टीमेटली चैनल का अल्टीमेट मोटिव है कि आपको कुछ नॉलेज प्रोवाइड हो, आपको कुछ नॉलेज मिले, कुछ सीखने मिले, कुछ जानकारियां मिले। अगर आपको कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है तो इस चैनल का फिर कोई मतलब नहीं बनता है। तो इसीलिए थोड़ा सा कम्युनिकेशन हम लोग के साथ बढ़ाइए, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए आपको क्या अच्छा लग रहा है, क्या नहीं अच्छा लग रहा है, ताकि हम उस पर और हार्डवर्क करें। और अगर पसंद आ रहा है लाइक जरूर कर दीजिए, पहली बार आए हैं हमारे चैनल में तो सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि आप आने वाले और भी वीडियोस का आपको नोटिफिकेशंस मिलता रहे। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।